सबको जय मसीह की। और आज हम इस वीडियो में परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल के बारे में जानेंगे कि कैसे ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन में से दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय का वचन 16 और वचन 17 को पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हम एक मसीह व्यक्ति हैं तो इसलिए बाइबल का हमारे जीवन में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को जानना चाहते हैं और पाप से अलग रहना चाहते हैं तो बाइबल को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल ही हमें तब सही करती है जब हम गलत करते हैं, और बाइबल ही हमें परमेश्वर के राज्य में किस प्रकार से हमें प्रवेश करना है, किस प्रकार से हमें पवित्रता में चलना है। आइए परमेश्वर के वचन में से एक आयत को पढ़ेंगे। जब हम मरकुस रची सुसमाचार 16 अध्याय का वचन 15 और 16 को पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मसीह में मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है कि हमें सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है, ताकि जो कोई सुसमाचार पर विश्वास करे और बपतिस्मा ले वह उद्धार को प्राप्त कर सके। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर मजबूती से बना सकते हैं। और वचन में लिखा हुआ है रोमियो 10 अध्याय का वचन 17 में, अंत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम बाइबल को प्रतिदिन पढ़ते हैं और बाइबल में से प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कामों को देखते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने परमेश्वर के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और उन्होंने उनके विश्वास के द्वारा ही उन्हें चंगाई दी। परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत काम कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने विश्वास को बढ़ाना होगा, प्रतिदिन बाइबल को पढ़ना होगा और ये देखना है कि परमेश्वर आपको बाइबल में से क्या आज्ञा देते हैं, क्या आपको मानना है और किस प्रकार से आपको पाप से अलग रहना है। अगर आप ऐसा करेंगे, वचन को प्रतिदिन पढ़ते जाएंगे, प्रभु में बढ़ते जाएंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत काम करेंगे।